हिंदुओं के साथ सरासर अन्याय करता है शासन और प्रशासन उत्तर प्रदेश का। कल अय्यूब अंसारी आए थे, मैं पूछना चाहती हूँ उनको क्यों जाने दिया। मैंने रिक्वेस्ट की एसडीएम साहब, मैं अकेली जाऊंगी उस परिवार में केवल संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि शासन का इतना दबाव है कि एसडीएम साहब मौन है। तो मैडम, ये आजम खान जैसे लोग जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? ये देशद्रोही है, इन पर मुझे कुछ नहीं कहना। देशद्रोही पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और जो लोग देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए मैडम, जो लोग यूएनओ जा रहे हैं हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए, इतनी बेहूदी पूर्वक व्यवहार हमारे साथ किया, हम तो शांति पूर्वक आ रहे थे और हमारी गाड़ी तोड़ दी प्रशासन ने। ये किसके इशारे पर हो रहा है आपके साथ ये सब जो हो रही है? ये सब आजम खान के इशारे पर होता है। जब जब भी ऐसी घटनाएं होती है, आजम खान का बार बार इतना दबाव प्रशासन पे होता है कि प्रशासन मूक हो जाता है। मैडम, क्या क्या मांग है मैडम आप लोगों की, जो आप यहाँ पे आई है बिसारा गाँव में, अब क्या मांग? राहुल और जयप्रकाश को मुआवजा दिया जाए, 50-50 लाख रुपए। उन दोनों परिवार में कोई नहीं है, इतना टॉर्चर उस बच्चे को किया गया जयप्रकाश को कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा शर्म की बात क्या? पुलिस का कहना है कि उनका पारिवारिक विवाद था, इस वजह से। कोई विवाद नहीं, प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है। मुझे मालूम है, मेरी बात हुई है फोन पर, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मुझे मारने की धमकी दी गई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपया प्रशासन को दिया है मुस्लिमों को पलायन करने के लिए, उनको सम्मान पहुंचाने के लिए। हिंदुस्तान की छवि खराब कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे साथ अन्याय, और उनको 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 खुला भंडार, खजाने खोल दिए उनके लिए। इससे बड़ा अन्याय हमारे साथ क्या हो सकता है? हमारे हिंदुओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, गौ हत्यारों को इनाम दिया जा रहा है। ये हिंदुओं के टैक्स का पैसा गौ हत्यारों को इनाम दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। हिंदुओं के साथ कहीं न्याय ना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। आगे आप क्या कदम होगा, जिस तरीके से आपको अंदर जाने से रोक रहे हैं? मैं प्रयास करूंगी उन परिवारों को न्याय दिला करके रहूंगी, और कोशिश करूंगी किसी भी तरह से उन परिवारों में जाने की।